Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Namaskar, main Ravi Sharma aur aap dekh rahe hain Fastbite.tv. Naukri se nikale jane ke baad aatmahatya karne wale Amit Chaudhary ke parijan hataash hain. तमाम कोशिशों के बावजूद नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज खुद को किसी तरह संभालते हुए अमित चौधरी की मां ने पहले एसएसपी तक अपनी बात पहुंचाई और कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर वह जिलाधिकारी कार्यालय पर दरी बिछाकर बैठ गई। अमित चौधरी के परिजन भी साथ थे। परिजनों का साफ आरोप है कि पुलिस नामजद अभियुक्तों के रसूख व पैसे के दबाव में है और यही कारण है कि 5 दिन बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। जवान बेटे की मौत से टूटा पूरा परिवार रसूख व पैसे वालों के दबाव के आगे बेबस है। उनका लगातार यही कहना है कि उन पर समझौते के लिए बराबर दबाव बनाया जा रहा है। आपको याद दिला देते हैं कि मेरठ के प्रतिष्ठित पब्लिकेशन हाउस विद्या प्रकाशन मंदिर के कर्मचारी अमित चौधरी ने 11 मार्च की शाम जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया था। इस वीडियो में अमित चौधरी ने अपनी मौत के लिए विद्या प्रकाशन मंदिर की एचआर मैनेजर नेहा गौतम, सीटीपी इंचार्ज यशपाल सिंह और गौरव महेश्वरी को जिम्मेदार बताया था। भारी दबाव के बाद पुलिस ने इन 3 लोगों के अलावा विद्या प्रकाशन के मालिक के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की थी। 5 दिन बाद भी कोई न्याय न मिलने से आहत अमित चौधरी के परिजनों ने पुलिस कप्तान अजय साहनी का दरवाजा खटखटाया और अपना शिकायती पत्र दिया। यहां जांच कराए जाने की बात कहे जाने पर ये सभी पैदल ही भारी मन और भारी कदमों से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां अमित चौधरी की माता की तबीयत खराब हो गई। आइए चलते हैं जिला मुख्यालय, जहां अमित के परिजन धरने पर बैठ गए। बेटा था मेरा, यदि हमें कुछ भी होता है हमारे परिवार को कुछ भी होता है तो मदद विद्या प्रकाशन और टीपी नगर अमित भाई को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भैया मेरा नाम है सचिन चौधरी। भैया क्यों आए हो आप यहाँ पे? मेरा जो छोटा भाई है अमित चौधरी, उनने विद्या प्रकाशन जो कर्मचारी थे मालिक था उसके उसमें दबाव में सुसाइड कर लिया था शुक्र में, और नामजद रिपोर्ट भी है, सब चीज़ें एफ आई आर भी है, लेकिन हम लोग कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अब तक किन किन अधिकारियों से आप मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं? सबसे मिल रही है, CO से भी मिल रही है, जाम भी लगाया था, बॉडी भी वहाँ हुई थी, आश्वासन भी मिल चुका है हमें, लेकिन सब बेकार, अब 0 अभी तक। आज आप आए और अब क्या हो रहा है, हमारे घर पर आ रहे हैं उल्टे और हम पर दबाव डाल रहे हैं। फैसले का जी, फैसले का अपना मुकदमा वापस ले लो, अन्य कुछ भी हो सकता है। कौन डाल रहा था? ये है जी, ये एम्प्लॉय आते हैं विद्या वाले, ये पंकज वो है, वो भी आता जी, पंकज जैन जो मैनेजर है वे भेजता है, और वही भेजते हैं जो फरार हैं वही भेजते हैं, उन्हें 6-7 आदमी भेजते हैं। 2 आदमी मैंने उठवाए भी थे घर से ही, मैंने तो नहीं, अड़ोस पड़ोस वालों ने जब आए थे फैसले बात कर रहे थे ना, तो 2 आदमी उठवाए थे पुलिस को बुला के, दीपक जी आए थे जो आई हैं वही उठा के ले गए थे घर से। SSP के पास आए जी अपने बोले आने। तो क्या आश्वासन मिला? हमें अभी फिलहाल कोई आश्वासन नहीं मिला, कह रहे हैं कुछ आज कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमें कोई मिल जाएगी। आप यहाँ धरने पे बैठे हैं? धरने बैठे हम DM साहब से अपनी ओर करने आए हैं, हमें भी सुरक्षा चाहिए, हमारे भी मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं वे लोग, अब पहले मेरे भाई का कर रहा है वो हमारा कर रहे हैं, दबाव दे दे कर हमारा भी वो कर रहे हैं, हमें भी उसी श्रेणी में लाना चाह रहे हैं वे, मेरे भाई की श्रेणी में। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।